राजस्थान रोडवेज के जयपुर डिपो का चीफ मैनेजर ट्रैप किया गया है। शिव कुमार 7000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रोडवेज कंडक्टर्स की ड्यूटी लगाने के अवज में यह घूस मांगी गई थी। एसीबी के एएसपी राजपाल गोदारा ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीजीबीएल सोनी एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। एसीबी लगातार घूसखोरों पर शिकंजा कसते हुए और अब एक और कार्रवाई की गई है। मेरे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके। नवीन, कहा जाता है कि जिसको लत लग जाए वो कहीं छूटती नहीं है, और यहां तो आप देखिए ड्यूटी चार्ट लगाने के नाम पर भी रिश्वत मांगी जा रही है। नवीन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ये देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, और एसीबी ने जो शिव कुमार है उनको रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जो चीफ मैनेजर है, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन पवन है, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर जो जयपुर डिपो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। एसीबी की टीम है जो आरोपी से पूछताछ कर रही है। एसीबी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। दरअसल तीन परिवादी जो कंडक्टर थे वो एसीबी के पास पहुँचे थे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि ड्यूटी लगाने की एवज में ये 2000 रुपये पर मंथ डिमांड करते हैं। तो एसीबी ने इस पूरी मांग का सत्यापन कराया, और सत्यापन कराने के बाद में आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दूं 7000 रुपये पहले ले चुके थे, और 7000 रुपये आज लेते हुए एसीबी ने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तकरीबन अगर जयपुर डिपो की बात करूँ तो यहाँ पर 263 कंडक्टर्स हैं, और इन सभी से बताया जा रहा है कि ये रिश्वत की राशि लेते थे। और ये खेल है, ये लंबे समय से चल रहा था। एसीबी को सूचना मिली और उसके आधार पर एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमारे साथ एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं राजपाल गोदारा जी, वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि सर किस तरह की कार्रवाई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर अगार के मुख्य प्रबंधक श्री शिव कुमार शर्मा, जो कि कंडक्टर से सुविधा अनुसार ड्यूटी लगाने के एवज में प्रत्येक माह 2000 रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त करते हैं। इसी के संबंध में तीन कंडक्टर्स ने हमारे पास शिकायत की थी। शिकायत का वेरिफिकेशन किया हमने, तो इन लोगों से 7000 रुपये अभी 12 तारीख को लिए हैं, और आज 7000 रुपये लेते हुए शिव कुमार मुख्य प्रबंधक गिरफ्तार किए गए हैं। सर, इसके अंदर भूमिका किस किस की है? अभी जाँच की जा रही है, और इस आगार में कुल 263 कंडक्टर हैं। ये देखिए, बिल्कुल 263 कंडक्टर हैं। कौन कौन इन्हें रिश्वत देता था वो सभी जांचें अब एसीबी की टीम कर रही है, और एसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मैं आपको दोबारा एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि एसीबी की टीम है वो रोडवेज का जो जयपुर डिपो है वहाँ पर कार्रवाई कर रही है। आरोपी है शिव कुमार शर्मा, चीफ मैनेजर, उसे यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। और एसीबी की एक टीम है जो आरोपी का घर है वहाँ पर भी पहुँच चुकी है, घर की सर्च की जा रही है, और घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। एसीबी को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डीजी एसीबी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन वो लगातार मुख्यालय में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विजेंद्र जी, बिल्कुल नवीन, इस दौरान एक और सवाल खड़ा होता है, अगर एक कंडक्टर 7000 रुपए सिर्फ इस बात के दे सकता है कि वो ड्यूटी चार्ट को अपने हिसाब से लगा ले, क्या मैं इसका मतलब यह निकालूं कि वो अपनी ड्यूटी उस रोडवेज की बस में लगवाना चाहता है जिसका रूट कुछ ऐसा हो जहां ज्यादा से ज्यादा कमाई की जा सके, टिकट के माध्यम से नहीं, बिना टिकट के माध्यम से? देखिए, हो सकता है इस पूरे खेल के अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार हो। अब एसीबी उसी पूरे प्रकरण की जांच करेगी, और जांच के बाद भी कई खुलासे एसीबी की टीम कर सकती है। एसीबी की टीम है जो आरोपी है उससे लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद हो सकता है इस पूरे प्रकरण के अंदर और किसी की भी गिरफ्तारी हो जाए। हो सकता है। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने